नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रिलीज से पहले ही जवान की बंपर कमाई। लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर रहे शाहरुख खान हाल ही में दो फिल्मों में कैमियो रोल करते हुए नजर आए थे। इन दिनों वह अपनी फिल्म जवान को लेकर चर्चा में है। दरअसल इस फिल्म की लागत रिलीज से पहले ही वसूल हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के टीटी और सैटेलाइट राइट्स को भारी कीमतों पर बेचा गया है। यह डील करीब 250 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। शाहरुख खान की बिग बजट एक्शन इंटरनेटर फिल्म जवान को साउथ के फिल्म मेकर एटली निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख और एटली पहली बार साथ साथ काम कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान के साथ साउथ एक्ट्रेस नयनतारा है। फिल्म हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी। जाने नवरात्रि की परंपराएं और देवी के नौ रूप। क्या ऋतु परिवर्तन से जुड़ा है नवरात्रि का समय? नौ दिनों तक क्यों मनाते हैं नवरात्रि और छोटी कन्याओं की पूजा क्यों करते हैं? आज 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। देवी पूजा का नौ दिवसीय पर्व 4 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जो कई लोगों के मन में उठते हैं, जैसे नवरात्रि बार बार क्यों आती है, एक साल में कितने नवरात्रियाँ आती हैं, देवी पूजा का ये पर्व नौ दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है, नवरात्रि में छोटी कन्याओं को खाना क्यों खिलाते हैं, उनकी पूजा क्यों करते हैं। ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की है धर्म ग्रंथों के जानकार और एस्ट्रोलॉजर पंडित मनीष शर्मा उज्जैन से। सवाल जवाब के लिए नवरात्र से जुड़ी परंपराओं का ज्ञान विज्ञान, ये नौ दिनों धर्म और विज्ञान के जरिए नजरिए से हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। आईटी केस में सोनाक्षी को मिली राहत। हक में आया विदेश टैक्स क्रेडिट विवाद का फैसला, मिलेंगे 29 लाख रुपए। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की मुंबई ब्रांच ने आईटी मामले में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने एक्ट्रेस हक में फैसला सुना एक्ट्रेस के हक में फैसला सुनाते हुए उनके 29 लाख रुपए के विदेश कर क्रेडिट क्लेम को अप्रूव कर दिया है। यह मामला तब सामने आया जब एक आयकर अधिकारी ने सोनाक्षी सिन्हा का टैक्स क्रेडिट क्लेम का फॉर्म एक्सपेक्ट करने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद सोनाक्षी सिन्हा को उनका 29 लाख का क्लेम मिल जाएगा। क्या है पूरा मामला? ई टाइम्स के रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2017 से 18 में सोनाक्षी के टैक्स रिटर्न के जांच के लिए चुना गया था, जिससे उनके क्लेम की एलिजिबिलिटी को परखा जा सके। इस दौरान आयकर अधिकारी ने दावा किया था कि एक्ट्रेस ने 22 सितंबर 2018 को अपना रिटर्न फाइल किया था, लेकिन 20 जनवरी 2020 को टैक्स क्रेडिट क्लेम का दावा करने के लिए फॉर्म 67 में दाखिल किया। ऐसे में एक्ट्रेस ने टैक्स फाइल करने से तारीख के काफ़ी समय बाद फॉर्म फाइल किया, जो नियमों के खिलाफ है। ऐसे में देरी की वजह से सोनाक्षी सिन्हा को टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं मिल पाया था, जिसके बाद यह मामला आईटीएफ के पास पहुंचा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप से पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।